अगर हम बिजनेस की बात करें तो ग्रैंड आरपी में बिजनेस लेना आज की डेट में काफी ज्यादा मुश्किल है। जब मैं नया नया आया था ग्रैंड आरपी में तब बिजनेसेस काफी ज्यादा सिंपल या फिर जो है वो इजी थे बाय करने के लिए, क्योंकि यार तब जो है वो एक गैस स्टेशन भी आपको 40 मिलियन तक का मैक्स टू मैक्स मिल जाया करता था। मैं ये जो है वो 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी अगर आप प्राइजेस देखोगे तो लास्ट मैंने वीडियो जो है वो किसी बिजनेस में बनाई थी तो वो एटीएम बिजनेस में भी बनाई थी एंड गैस स्टेशन के बिजनेस में भी बनाई थी, राइट। तो वो कितने ज़्यादा महंगे हैं मैंने आपको आइडिया दे दिया था उस वीडियो में कि वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं इस 2023 के सर्वर वन पे, राइट। तो अगर आप छोटा से छोटा बिजनेस भी जो है वो बाय करने जाते हो तो यार वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पार्किंग बिजनेस कैसे वर्क करता है, पार्किंग बिजनेस कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें कैसे आप प्रॉफिट निकलवा सकते हो उससे, और क्या उसमें इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दिस वीडियो इज बीन स्पॉन्सर्ड बाय ग्रैंड आरपी, एंड अगर आपने ग्रैंड आरपी अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये रेफरल लिंक मिल जाएगा मेरा, वहां पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ग्रैंड आरपी की। बस यहां पे आपको अपने इन गेम कैरेक्टर का जो भी नाम है वो देना है, पासवर्ड देना है, ईमेल आपका रखना है, जो भी आप ईमेल दे रहे हो तो वो ध्यान रखना ईमेल और पासवर्ड, एंड वहां से जो है वो ग्रैंड आरपी का लॉन्चर डाउनलोड करके आप सीधा यहां पे जो है वो जो ईमेल दिया है पासवर्ड दिया है लॉगिन करके ये गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हो। बस आपके पास एक लीगल GTA 5 की जो है वो कॉपी होनी चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं वीडियो पे। अब हम पार्किंग बिजनेस की बात करते हैं तो पार्किंग बिजनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आपका पार्किंग बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट कमाएगा वो उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं ये एयरपोर्ट वाली पार्किंग ले रहा हूँ बिकॉज ये जो ग्रीन प्ले वीडियो रिकॉर्डेड है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन आज भी जो है वो पार्किंग बिजनेस का जो है वो फंडा वही है, इसलिए मैं इसी को जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट वाली पार्किंग बिजनेस की मतलब पार्किंग की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूर पड़ता है एंड यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम लोग आते हैं, तो ये लोकेशन काफ़ी एक आउट डेजर्ट या फिर जो है वो आउटस्कर्ट्स में है सिटी के, जहाँ पे जो है वो लोग बहुत ही कम विजिट करते हैं। सो दिन का जो है वो 20,000 से 25,000 ही अगर आप ये वाली लोकेशन लेते हो तो आप जो है वो पार्किंग से निकाल सकते हो। अगर आपकी और इसकी प्राइस भी ऑफ कोर्स कम ही होने वाली है, अगर आप बाय करने जाते हो तो इसकी प्राइस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। सो यहाँ पे जो है वो मैंने एक पार्किंग जो है वो स्पेस जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया था कि ये जो पार्किंग बिजनेस ये मेरा है, तो ये मतलब मेरा था बहुत टाइम पहले जो है वो मेरा था, अब जो है वो ये नहीं है। सो यहाँ पे जो है वो मैंने बस एक गाड़ी रेंट कर दी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा बिजनेस कितना है, लाइक बिजनेस बैलेंस कितना है, $20,160। अब यहाँ पे मैं एक और गाड़ी जो है वो वापस से स्पॉन करते हैं। हम पहले जो मैंने गाड़ी की थी उसको हम हटा देते हैं पार्किंग से ताकि हमको कितना प्रॉफिट होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक और पार्किंग स्लॉट यहाँ पे कर लिया है और इसको हम पार्क करते हैं एंड यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है। लेट्स सी एम दबा के माय बिजनेस में जाके वहाँ पे देखते हैं हमको कितना प्रॉफिट है। तो 22,560 अब जो है वो टोटल हो चुका है। सो थोड़ा सा आई गेस इसमें से टैक्स भी जो है वो कट रहा है एंड आपको जो है वो इसका टैक्स भी जो है वो भरते रहना होगा, राइट। जैसे कि दूसरे बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे बैंक में जाके आपको जो है वो टैक्सेस भी जो है वो दूसरे भरने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो टैक्सेस है वो पेड फॉर 20 डेज आ रहा है एंड स्टेट वैल्यू इसकी 2 मिलियन है। वापस से आपको जो है वो आपका आज का कितना प्रॉफिट हुआ है, कल का कितना प्रॉफिट हुआ है एंड आपको जो है वो वीकली कितना प्रॉफिट हो रहा है, मंथली कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारे स्टैट्स सारे बिजनेस में होते हैं। पार्किंग प्राइस चेंज आप ऊपर से जो है वो लेफ्ट ऊपर टॉप कॉर्नर से जो है वो कर सकते हो, वहाँ से जो है वो पार्किंग प्राइस चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम आप जो है वो 5,000 पार्किंग रख सकते हो। अब 5,000 पार्किंग आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको रखना है कि नहीं रखना, नहीं तो आप मिनिमम जो है वो 1,000 जो है वो पार्किंग रख सकते हो। 1,000 से लेके 5,000 के बीच में आप मिनिमम इतने मतलब मिनिमम 1,000 है एंड मैक्सिमम जो है वो 5,000 है, आप इतने पार्किंग की प्राइस जो है वो पर कार स्लॉट आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे जो है वो अगर आपको जो है वो टैक्स भरना है बिजनेस के लिए तो आपको जो है वो 3 घंटे जो है वो सर्वर पे खेलना पड़ता है, 2 घंटे सर्वर पे खेलना पड़ता है, तब जाके जो है वो आप बिजनेस का जो है वो टैक्स भर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पार्किंग बिजनेस में काम आती है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई इसका प्रॉफिट कितना होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया गाइज कि जो है वो प्रॉफिट इस बिजनेस से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डिपेंड करता है कि भाई आपका लोकेशन क्या है बिजनेस का। अब जो अच्छी अच्छी लोकेशन है पार्किंग बिजनेस की, आप देख सकते हो कि भाई सिटी में सिटी के बीचों बीच अगर आप देखोगे तो 3 पार्किंग्स बैक टू बैक दिखेंगी आपको, लाइक आगे पीछे जो है वो 3 पार्किंग एक ही जगह पे दिखेंगी। तो उनमें से मोस्टली जो है वो बीच वाली पार्किंग जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस पार्किंग है वहाँ पे और सबसे ज़्यादा सस्ती भी है, वो $1,000 में जो है वो पार्किंग दे देती है एंड वो पार्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जनरेट करती है बिकॉज वहाँ पे और दूसरी कोई भी पार्किंग नहीं है आसपास। साथ ही साथ अगर उसके साथ एक ATM भी जुड़ा हुआ है उस पार्किंग के साथ, जो ATM जो भी है
जिसका भी एटीएम है वो भी जो है वो काफी ज्यादा पैसे वहां से जनरेट कर रहा है, क्योंकि बंदे के पास कभी कभी पैसे नहीं होते तो वो एटीएम के पास जाते हैं, एटीएम का भी बिजनेस निकल जाता है एंड पार्किंग का भी बिजनेस निकल जाता है। सो लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पार्किंग बिजनेस खरीदने की सोच रहे हो तो। मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी सड़ी गली जो है वो लोकेशन पे पार्किंग बिजनेस लो, या फिर आप कोई दूसरा बिजनेस देख सकते हो जो कि आपको जो है वो डिसेंट अमाउंट ऑफ बिजनेस जो है वो निकाल के दे सकता है, लाइक प्रॉफिट जो है वो निकाल के दे सकता है। अगर आप जो है वो पार्किंग बिजनेस लेने की सोच रहे हो तो अभी जो है वो आप थोड़ा सा रुक जाओ, आप जो है वो गैस स्टेशन के लिए पैसे सेव कर सकते हो, क्योंकि गैस स्टेशन आपको जो है वो काफी ज्यादा पैसे और जो है वो निकाल के दे सकता है। अब जहां तक बात है इस वाले बिजनेस की जो कि मैंने खरीदा था लाइक 6-7 महीने पहले, तो वो मैंने जो है वो बिना पैसे दिए ही खरीदा था। आप बोलोगे भाई बिना पैसे दिए कैसे खरीदा भाई आपने, तो मैंने उसको जो है वो ट्रेड कर लिया था। मेरे पास एक घर था, मैंने उसको जो है वो जो जिस जो बंदा ले रहा था उसको घर दिया और जो है वो ऊपर से $2 million भी दे दिए, तो उसने मुझे जो है वो पार्किंग बिजनेस दे दिया एंड इस तरीके से जो है वो पार्किंग बिजनेस मेरे पास आया हुआ था। तो आप ये भी कर सकते हो अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो, लेकिन यार ट्रेड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम काम आते हैं। लाइक ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो इक्वल वैल्यू रखना चाहिए, जो कि सामने वाले बंदे बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, जैसे कि भाई 5 गाड़ियाँ दे दो, 2 घर दे दो एंड भाई कुछ और भी चीज़ें दे दो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो दे दो एंड आप जो है वो फिर बिजनेस ले जाओ। तो ये सारे एसेट्स देने से अच्छा है कि भाई आप जो है वो कुछ दूसरे लाइक गाड़ियाँ तो आप दे सकते हो, लेकिन घर वर ये सारी चीज़ें जो है वो आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, बिकॉज अगर आपका घर जो है वो काफ़ी अच्छे लोकेशन में तो मे बी हो सकता है कि वो आपका जो घर है वो एक्सपेंसिव चला जाए उस बिजनेस से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लाइक बहुत ही बड़े जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं एंड जहाँ तक बात है बिजनेसेस की, तो यहाँ पे बस जो जहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स अपग्रेड होते हैं ना, ऑटो शॉप या फिर जो ऑटो गराज है मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, तो वो का सबसे ज़्यादा महंगे बिजनेसेस हैं वो, की जो है वो लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वो ग्रैंड आरपी के वो वाले बिजनेसेस आते हैं, जो कि अभी लेना तो यार एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लाइक इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है जब तक आप अपने रियल पैसे इन्वेस्ट नहीं करते इन बिजनेसेस में। तो अभी जो चांसेस बनते हैं वो है कि आप जो है वो ढाई दो साल तीन साल जो है वो ग्रैंड आरपी खेलो, पैसे इकट्ठा करो और फिर जो है वो आप एक गैस स्टेशन या फिर जो है वो आप एक पार्किंग बिजनेस ये सारे या फिर एक 24/7 स्टोर या फिर एक क्लोथिंग स्टोर, इसमें जो है वो आप बिजनेसेस जो है ये वाले बिजनेसेस जो है वो ले सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो क्लोथिंग स्टोर के बिजनेस कैसे होता है, 24/7 के स्टोर का बिजनेस कैसे होता है, तो ये सारे बिजनेसेस पे भी जो है वो मैं वीडियोज लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसे वीडियोस जो है वो मिलते रहे ग्रैंड आरपी पे इन द फ्यूचर। एंड अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर देना, बिकॉज लाइक पे क्या होता है अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यार वो दूसरे बंदों को जो है वो रिकमेंडेशन में जो है वो पुश नहीं करता है यूट्यूब। सो थैंक्स फॉर लाइकिंग अगर आप इन एडवांस अगर आप लाइक कर रहे हो तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, मिलते गाइस आपसे अगली वीडियो में।